तो ये कुर्ते हैं मेरे। सो बेसिक आपके कुर्ते बहुत से वैसे काफी अभी पुराने पुराने हो गए हैं और है नहीं, तो आपके लिए हम गए थे तो भगवान कलेक्शन में ये टसर के कपड़े बहुत अच्छे आए थे, ये सिल्क टाइप के, जिससे मैंने आपके लिए खूब सारे ले लिए। अभी आप बताओ किसका शर्ट कॉलर बनाना है, किसका नेल कॉलर बनाना है, एज ऑलवेज। ओके बताओ, ये है और इसमें से जिस जिसमें से आधा मीटर कपड़ा निकल पाएगा वो मान लीजिए। आइए, क्या हो गया? इनके लिए कुर्ते लेके आई हूँ मैं, तो शर्ट कॉलर बनाने या नेहरू कॉलर, वो सर का अप्रूवल। ये दोनों बना लो मिक्स, बहुत अच्छा लगा। ये आपको जैसे सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए होता है ये वैसा, इसकी सलवार का सेम कपड़ा, ये क्रीम ऑफ वाइट और इसकी सलवार। चलो बताओ। उठ गए आप, उठ गए। ओले अंगड़ाई। तो हो गया मेरा। वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं शोएब इब्राहिम ने के लिए लाई हैं दीपिका इब्राहिम बहुत सारे कुर्ते। उन्होंने स्पेशली उनके लिए शॉपिंग की है क्योंकि बहुत दिनों से वो बाहर नहीं जा पा रही थी रोहान को लेकर, बट वो शॉपिंग करने गई और बहुत सारे स्पेशल और महंगे महंगे कुर्ते उनके लिए लेके आई, जो कि उनके लिए एक सरप्राइज़ था क्योंकि शोएब को पता नहीं था कि दीपिका उनके लिए शॉपिंग करने गई हैं। दीपिका बहुत अच्छी अच्छी वाइफ है और शोएब भी उनके लिए हमें सरप्राइज प्लान करते रहते हैं। इसी प्रकार दीपिका ने भी उनके लिए बहुत ही महंगे महंगे और बहुत ही फैशनेबल कुर्ते खरीदे। एक वाइफ जब हस्बैंड के लिए कुछ करती है तो बहुत बड़ी बात होती है, वही वो दीपिका इब्राहिम कर रही हैं। आपकी क्या राय है दीपिका इब्राहिम के बारे में और शोएब इब्राहिम के बारे में, अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और दीपिका और शोएब इब्राहिम के बारे में क्या सोचते हैं आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रूहान आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह रूहान अभी बहुत प्यारा हो गया है और प्यारा सा बच्चा हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो पूरी दीपिका इब्राहिम की फैमिली हमें पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।